हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत देरी में ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि युवान जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो जो है किसी के पास रुकता नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा वो नई जगह आया है तो उसको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं महसूस होता है। अब मैं बनाने जा रही हूँ, इवनिंग का टाइम हो चुका है और चाय का टाइम हो गया है, तो चाय बनने जा रही है। आप देख सकते हैं कि चाय जो है हमारे यहाँ इस फ्राई पैन में बनती है, कॉपर के। स्पेशली इसलिए दिखा रही हूँ मैं कि कॉपर का फ्राई पैन है उसमें बनती है, क्योंकि छोटे वाले भैया को जो है कॉपर पीतल इनके बर्तनों में खाना अच्छा लगता है। सभी को ही अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल बर्तन है ये सब। तो हम दोबारा से हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया, पीतल के भगोने में दूध गर्म होता है, चाय इसमें बनती है, जो भी होना है उसे इसमें होता है। हम दिखाते हैं इसमें चाय, चाय बनती बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर पीतल के बर्तन में जब दूध गर्म किया जाता है तो उसमें जो है उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है एकदम। थोड़ा सा पीतल को लेके खुशबू सी आती है, खुशबू क्या आती है, उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा इसमें उसमें आ जाता है पीतल के बर्तन का। चलिए दिखाते हैं हम चाय। जैसा कि पीतल तांबे के बर्तनों का शौक़ हर किसी को होता है, तो लेकिन इसको मैनेज करना बहुत कठिन होता है। जैसे कि अब ये मेरा फ्राई पैन है, बहुत काफ़ी अच्छे से चमक रहा है, तो वो चमकने की वजह क्या है, यानी कि हम उसको 2-3 दिन में नींबू से साफ़ कर देते हैं तो वो चमकने लग जाता है। ऐसे ही साफ़ करें, साफ़ हो जाएगा। और वाइट विनेगर के साथ में सोडा डाल के भी साफ़ करिएगा तो भी चमकेगा बर्तन। और मेरी चाय रेडी हो गई है और मैं चाय पीने जा रही हूँ। अब मेरी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो इसके लिए लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय।